नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मनीष एंड शिखा व्लॉग्स में। हमारी यात्रा को कंटिन्यू करते हुए अब हम एलिपी से आ पहुँचे हैं कोवलम। कोवलम एक स्मॉल कोस्टल टाउन है केरला का, जो कि अपने बीचेस के लिए फेमस है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फेमस बीच है वो लाइट हाउस बीच है दोस्तों। तो हम शाम को सारे बीचेस पे घूमने चलेंगे, जिसमें से कोवलम का जो लाइट हाउस बीच सबसे ज़्यादा फेमस है। ये हमारे होटल की बालकनी का व्यू है दोस्तों। देखिए पीछे कितना सुंदर बैकयार्ड है और सामने देखिए समुद्र दिखाई दे रहा है। इसी समुद्र पे हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे और बहुत मस्ती करने वाले हैं हम दोनों। ये बालकनी है हमारे होटल की। चलिए आपको अंदर ले चलता हूँ। और ये देखिए हमारा रूम है दोस्तों। ये होटल समुद्र कोवलम है और बहुत ही सुंदर रूम है, बहुत ही अच्छा रूम है दोस्तों, बहुत रिजनेबल प्राइस में है। तो अब हम बीच पर चलेंगे और इन्जॉय करेंगे। फाइनली दोस्तों, अब हम बीच पे आ चुके हैं अपने होटल से और ये बीच बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है मुझे। और देखिए चारों तरफ पानी ही पानी है और समुद्र का किनारा है और ये अरेबियन सी है दोस्तों। और मज़ेदार बात ये है, और ये देखिए सामने हमारा होटल है समुद्र कोवलम, वहाँ हम रुके हुए थे जो नारियल के पेड़ थे। और ये अब हम किनारे पर आ चुके हैं। और एक मज़ेदार बात आपको दोस्तों बता दूं कि हम दोनों को ही तैरना नहीं आता और पानी से बहुत डर लगता है। तो अब आप देखिए कि किस तरीके से जो लोग डरते हैं वो कैसे दूर से लहरों के पास खेलते हैं। ये आपको दिखाते हैं कि जब पानी से डर लगता है और एंजॉय भी करना होता है तो किस तरीके से दूर से हम पानी की लहरों को एंजॉय करते हैं। आइए दोस्तों, और आ गया जाओ। यहाँ खड़ी ये टच हुआ पैर पे? नहीं, ओ शिट, ये वाली आई। नहीं आई, ये तो आ जाएगी 100%। अरे यार दम नहीं ले रहा मैं, बाप रे बाप, अब आएगी, अब आएगी, देख रही कैसे आ रही है, ये वाली आएगी, नहीं आएगी, आएगी, ये पक्का आएगी, नहीं आएगी, ओ रुक जाओ ना, वो आया, ये वाली अच्छी है, ये आएगी 100%। चलते बना के होके आते। अरे आओ यार, तो सही कुछ आ ही नहीं रहा। हम लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं कि लहर आए और हमारे पैरों को टच करे, और एक भी लहर हमारे पैरों तक नहीं आ पा रही है। ये देखो जल्दी देखो, और लहरें बढ़ती जा रही हैं। लहरें बहुत ज्यादा वाइल्ड होती जा रही हैं, हम लोगों को पीछे धकेला जा रहा है, सब लोग यहाँ से निकल लें। और ये देखिए लहर, ओ वो आ रही शिखा, देखो बहुत बड़ी आ रही आप, और ये इस वक्त काफी बड़ी लहर, और ये जरूर हमारे पैरों को टच नहीं करा इसने, ये आ रही है, लेकिन ये दबा के जाओ ना, थोड़ा चलो ना, तो इधर आओ। और ये शिखा मैडम आगे जाना चाहती है पानी के अंदर। नहीं नहीं पाया पानी, ये आ रही है बाबा, ये तो टच, देखो जरा उस लहर को देखो, जाओ वहां पर भागो, ये खुद ही आ जाएगी वो, ये आया, थोड़ा तो आगे चलो, इससे आगे लहर ही नहीं आ रही।
मना कर रहा है ना वो यार, जो उसने जो मेरा पिक लिया ना अपने, वो लहर सबसे डेंजर थी। हाँ ये लहर यहाँ के खत्म हो जाती है पता है, देखो वहाँ की लहरें ऊपर तक आ रही है, देख लीजिए वो तो फ्लो के ऊपर है, जब स्टोन से ना इस वजह से भी वहाँ खुला है पूरा, खुले की वजह से लहर देखना सेंटर में सबसे ज्यादा आ रही है, ऊपर तक चढ़ रही है। और यहाँ पर शिखा जी खड़ी हुई हैं लहर का इंतजार करते करते। अरे अरे हेलो, कहाँ भैया कहाँ, अभी चप्पल बह गई थी ना तुम्हारी। ये भी इनके कारण है, मेरी चप्पल उतरा दी इन्होंने, बह गई वो फिर आ गई। अच्छा वापस आ गई ना लेकिन वो। फिर मैं अपनी जान दांव पे लगा के लेके आया चप्पल। खिलाड़ी यो ऐसे में ऐसा बोलना पड़ता है ना, झाकीबाजी के लिए जान दाव पर लगा के, इसको पता किनारे भी बड़ी हुई थी। और ये बहुत तेजी से लहर आई एकदम, और हम खुद ही जा रहे हैं इस लहर में डूबने के लिए क्योंकि ये तो आ नहीं पा रही। यस, और ये एक और बड़ी लहर, मेरा तो मन कर रहा है ना कि मैं यहीं बैठ के डुबकी डुबका मारा दूं। हेलना हेलना वो पत्थर बैठे ये बोल रहे मेरा भी वीडियो ले लो, मैं तो रहता ही हूँ। तो मैं एंजॉय कर रही हूँ लहरों को, मैं वीडियो में क्या लगी रहूँ। उसमें मैं तो दिखती रहूंगी ना। नहीं नहीं फोटो लू चल रहा है। अरे प्लीज ना ज्यादा आगे मत जाओ। सब कुछ डूब गया हमारा, देखा भागो पीछे देख के भागना है, गिरना तोड़ना। ये तो तुम यही तुम्हारा पैर इसमें लॉक हो जाए। बचाओ, कोई बहुत तेजी से लहर आ रही है सामने, देखो चिका भागो मम्मा। अरे ओ शिट, ओह ये तो और भी तेज भागो। ये लहरें तो सही में वाइल्ड होती जा रही है ना, उन्होंने अपना एरिया ये बना लिया है, अभी तक उनका एरिया वो था, थोड़ी देर में वो बना देंगे। हम जब से आए ना तब से ज्यादा लहरें बढ़ गई पता है। शिट ये तो और भी तेज आई। ओह माय गॉड, शिखा भागो। वो तो और भी तेज आ रही है। ओह माय गॉड, लहरें ज्यादा वाइल्ड होती है। वो देखो वो देखो, और ये तो सिर्फ दिखने ही थी बस, लहरें और भी ज्यादा वाइल्ड हो गई हैं। पहले हम उस पत्थर पे खड़े हो रहे थे ना आराम से वहाँ बैठे थे, अब हम सोच भी नहीं पा रहे हैं वहाँ जाने की। मेरा इधर से लो। और ये शिखा मोटी सी, और ये शिखा जी कोवलम बीच में अपने लिए कॉर्न बना रही हैं, स्पाइसी वाले एकदम। ये लो उठा।
दिखाओ ना तुम। और ये देखिए कौन खाए जा रहे हैं यहाँ पर।